हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। और मेरा नाम है किटी। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं लॉरियल पेरिस का हाईलाइट क्रीम। एक तरह का फैशन हाईलाइट है। तो आज मैं आपको पूरी वीडियो में ये बताऊंगी कि इसमें, इस पूरी किट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे आपको लगाना है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मेरे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमेशा जब भी हम न्यू वीडियो लेकर आए सबसे पहले आपके पास अपडेट आए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, आज मैं आपको बता रही हूँ लॉरियल पेरिस का एक्सीलेंट फैशन हाईलाइट्स कैसे यूज़ करना है। द फर्स्ट थिंग इसके जो मैंने लिया है वो है हनी ब्लॉन्ड हाईलाइट्स एन डिग्री 5। ये एक नेचुरल डार्क हेयर कलर है। तो मेरा मन था ये वाला हेयर घर पे ही हाईलाइट करने का, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। इसके अंदर एक शेड और आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इज इसमें आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे। इस पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा एक हाईलाइट ब्रश, कलरिंग क्रीम, एक डेवलपर और साथ में एक कंडीशनर और साथ में एक अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स, मतलब वन टाइम यूज़ वाला ग्लव्स है कि आप यूज़ करो और यूज़ एंड थ्रो कर दो इसे बाद में। अब पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपने रूट्स से हाईलाइट्स नहीं कर रही। यूजुअली जो गर्ल्स क्या करती हैं कि अपने रूट्स से ही हाईलाइट्स करना पसंद करती है, प्रेफर करती है, बट अभी जो है मैं रूट से नहीं करना चाह रही। मैं सिर्फ अपने एंड्स पे ही थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, कुछ कुछ सेक्शन पे करूँगी जैसा आप वीडियो में अभी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम जो हेयर ऑयलिंग करनी है, शैम्पू करना है, जिस दिन आप प्लान करते हैं कि मुझे आज हेयर कलर करना है उससे 48 आवर्स पहले करना है। मीन्स आज आपने ऑयलिंग करा, डीप ऑयलिंग करा, मसाज किया, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, उसके 48 आवर्स के बाद ही, मिनिमम 48 आवर्स के बाद, इससे ज़्यादा भी मतलब आप 3-4 दिन भी रख सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना हेयर कलर का डिसीजन ले कि आपको हेयर कलर करवाना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपको पहले ये देखना है कि आपको कितने सेक्शन में आपको हेयर कलर करना है। लाइक आप इसमें सेक्शन की भी ऐसे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो ब्रश मिल रहा है ना, इसके साथ में ही वो इस तरह से का ही ब्रश है, उसकी में मतलब यू कैन से कि सेक्शन बने हुए हैं कि जिसमें आप इजीली आप घर पे लगा सकते हैं और आपको एज सच ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आप टेल कॉम से थोड़ा थोड़ा अपने सेक्शंस को छोड़कर अपने बालों को इस तरह से निकालें और उसके बाद आपको कलर करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको क्लचर चाहिए होंगे, क्लिप चाहिए होंगी, सो दैट कि आप जो हाईलाइट करें उन बालों को अलग कर सके टक, और जो आपके नॉन हाईलाइट वाले हेयर या नॉर्मल हेयर उनको आप अलग से टक कर सके। आपको फॉयल चाहिए होगा, एल्यूमिनियम फॉयल जिसे कहते हैं। साथ में आपको एक टेल कॉम्ब चाहिए होगी। आपको साथ में शैम्पू और कंडीशनर बहुत बाद में हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ऐसे कंडीशनर एक हमें मिला है, बट कोशिश करें कि आपका शैम्पू कलर स्पेसिफिक हो, जो कलर्ड हेयर्स के लिए, कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए होता है। ग्लव्स इसमें ऑलरेडी हमें मिला हुआ है और हमें हेयर ब्रश भी मिला हुआ है। सो मे बी टेल कॉम की इतनी रिक्वायरमेंट ना भी पड़े, लेकिन अगर प्रोफेशनली चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हाईलाइट्स हों, सेक्शन अच्छे से डिवाइड हो, तो आप टेल कॉम यूज़ कर सकते हैं, एज ब्रश इज़ ऑल्सो सफिशेंट फॉर दिस पर्पस। सो सबसे पहले आपको कलर जो हमारा है, दोनों बॉटल्स जो इसमें है डेवलपर की और कलरिंग क्रीम की, उसको आपको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, किसी प्लास्टिक कंटेनर में मिक्स कर लीजिए। देन जस्ट टेक द दिस ब्रश, उस पर आप लगाएं और जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए अपने सेक्शन पे, उस एरिया पे आपको कलर क्रीम ये आपको लगानी है। जैसे मैंने आपको बताया मैं रूट्स पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने नीचे वाले बालों में यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे टेल हेयर हैं, लास्ट वाले जो हेयर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं उसमें भी किस तरह से सेक्शन लेकर उस पर अप्लाई कर रही हूँ। अब जैसे आपने ये लगा लिया, जहाँ जहाँ भी आपको अपने हेयर्स पे चाहिए था आपने लगा लिया, नाउ जस्ट कीप इट फॉर मिनिमम 20 मिनट्स। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए आप 15 मिनट्स रखें, आपको लाइटर शेड चाहिए आप अपना टाइम बढ़ा दें 30 मिनट्स रखें, अगर आपको और भी ज़्यादा लाइटर शेड चाहिए तो आप 40 मिनट्स भी रख सकते हैं, बट उससे थोड़ा ज़्यादा ब्लॉन्ड कलर आ जाएगा। तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप 45 मिनट्स रखो, बट हाँ डिपेंड्स अपॉन योर कलर चॉइस। इफ़ यू वॉन्ट डार्क कलर जस्ट कीप इट फॉर 15 मिनट्स, लाइटर कलर 30 मिनट्स एंड मोर लाइट कलर देन जस्ट यू कैन कीप इट फॉर 45 मिनट्स ऑल्सो एंड जस्ट आफ्टर दैट वॉश इट।
अब नेक्स्ट इज कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, यू कैन से कि आपको ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस, क्योंकि ये एनी हाउ एक केमिकल प्रोडक्ट है, अगर ये आपकी स्किन पर कहीं लग जाता है या आपको सूट नहीं करता या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक पैच टेस्ट ज़रूर करना है, और आपको ये पैच टेस्ट जो करना है ना, वो जस्ट कान के पास जो हमारे ये वाला स्किन होता है वहाँ पे पैच टेस्ट करना है। इस क्रीम को डेवलपर को थोड़ा सा लगाएं, 24 आवर्स के लिए रख दें और वहाँ पे मतलब कुछ भी कवर करके इसको छोड़ दें। आपको पता लग जाएगा कि आपको किसी भी तरह की एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की इरिटेशन हो रही है, जस्ट वॉश इट ऑफ, बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें, क्योंकि एनी हाउ ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये आपको रिएक्ट करके इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचीनेस, ड्राइनेस, जलन, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो पैच टेस्ट कंप्लीट, अगर ये पैच टेस्ट पास होता है देन गो फॉर दिस कलर की कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग इज जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, अगर आप इसके बॉक्स में या आप इसके साथ जो हमें मिला हुआ है एक पेपर जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर योर आई लैशेज एंड फॉर योर आईब्रोज एंड फॉर योर बियर्ड एंड फॉर योर मुस्टेस, कि आपको मूछों पे कहीं पर भी नहीं लगाना, ये सिर्फ हेयर के लिए बना है और आपको वहीं लगाना है। और जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आईज पे टच हो गया है, मुंह में टच हो गया, लिप्स पे टच हो गया, जस्ट वॉश इट ऑफ विद, रिंस इट ऑफ क्लियर वाटर, मतलब रनिंग टैप आप यूज़ करें, प्रॉपर पानी में यूज़ करें और उसे निकाल दें, क्योंकि आँखों में चला गया ना, इतनी ज़्यादा जलन होगी, मैं कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपकी आईज के लिए, इसको टच भी नहीं होने देना। और साथ में जब भी आप ये घर पे यूज़ करें, बच्चों को साइड में बंद कर दीजिए रूम में, और उसके बाद या खुद को लॉक कर लीजिए, बच्चों को इसके पास मत आने दीजिए, इन केस वो टच कर ले और उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो प्लीज़ अवॉइड इट, ऐसा कभी भी नहीं करें। और साथ में ग्लव्स ज़रूर पहने, बिना ग्लव्स पहने से अपने यूज़ मत करो। उसके बाद जैसे ही अगर आपने लगा लिया है तो आपको प्रॉपरली रिंस करना है, प्रॉपरली वॉश करना है, देन कंडीशनर इसके साथ जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे, इससे कंडीशनर ज़रूर लगाना है। साथ में ट्राई करो कि आप इसे इनहेल भी ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, आपके अंदर जा सकता है, वो आपको नुकसान कर सकता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑलरेडी हीना लगाया हुआ है, मेहंदी वाले बाल हैं आपके, या फिर ऑलरेडी आपने अभी रिसेंटली कलर कराए हैं, यू कैन से एक महीना पहले ही कलर कराया था, उसके बाद आप हाइलाइट्स करा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू वन क्लियर थिंग, ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि अगर हम बैक टू बैक जब भी कलर करते हैं तो वो आपके बालों के जो हमारी जो स्ट्रेंथ होता है उसको कभी कभी ख़राब कर देता है। क्या होता है, एक्चुअली दो तीन तरह के कलर्स होते हैं, लाइक सेमी परमानेंट, परमानेंट कलर्स होते हैं, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आपने ऑलरेडी इस तरह का कुछ कलर करा रखा है, ऑलरेडी आपके हेयर कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, तो प्लीज़ अवॉइड एटलीस्ट कम से कम 6 to 7 months, और आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 9-10 महीने, वीक्स, नॉट महीने, वीक्स तक आप इसको अवॉइड कीजिए, उसके बाद आप लगाएं, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि आपके हेयर ख़राब हो। और जब भी आप हेयर कलर करें, हफ्ते में एक बार कम से कम डीप कंडीशनर ज़रूर करें। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि डीप कंडीशनर कैसे करते हैं, तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह से डीप कंडीशनर कर सकते हैं घर पे ही, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। SLS फ्री शैम्पू यूज़ करें, तो क्योंकि SLS फ्री, अगर आप SLS वाले शैम्पू यूज़ करते हैं तो इससे आपके बालों का जो कलर है वो जल्दी फेड हो जाता है, जिससे आपका कलर का इतना ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू यूज़ कलर ट्रीटेड, स्पेसिफिकली जो हमारे शैम्पूज आते हैं मार्केट में वो SLS फ्री होते हैं यूजुअली, तो आपको वैसे ही शैम्पू यूज़ करना है और साथ में कंडीशनर भी लगाना है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम टिकटॉक पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।